हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज कैसा चेंज करना है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा गूगल क्रोम से हो सकता है। गूगल क्रोम पे आप क्लिक कीजिए। गूगल क्रोम इज़ कंपलसरी फॉर दिस। तो आप यहाँ पे आपको ये डॉट थ्री डॉट्स मिल रहा है, तो वहाँ पे यहाँ थ्री डॉट्स मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये सेटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको साइट सेटिंग पे जाना है। ये यहाँ पे साइट सेटिंग है, सॉरी, साइट सेटिंग है। यहाँ पे साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग जाने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे बोलेगा कि या गूगल ट्रांसलेट, ये देखो गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है। ये गूगल ट्रांसलेट को क्लिक करना है। जैसे गूगल ट्रांसलेट के क्लिक करने थे, यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि आपका ट्रांसलेशन जो पेज आएगा उसको अनेबल करना है। यहाँ पे ऑफ है तो मैं क्या करूँगा, ऑन करूँगा, ठीक है। ऑन करने के बाद में मेरे को वापस जाना है। वापस जाके जो लैंग्वेजेस है, सपोज कोई भी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज मेरे को चेंज करना है। सपोज अभी मेरे पास एक, मैंने ये LCFSC का निकाला, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको ट्रांसलेट करना है कि नहीं। ये ऑप्शन देखो, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है कि अपन ट्रांसलेट बोलने के बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके ये डिपेंड्स अपन नेट के अवेलेबिलिटी के ऊपर है। आपका नेट इतना फास्ट है, वो नेट के हिसाब से वो चल रहा है, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, फिर से आपको ये करना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो ये हो जाएंगे, डन हो गया। सो देखो दोस्तों, अभी आपको ये कन्वर्ट कैसा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। चलो दोस्तों, थैंक यू, मेरा नाम बाय।